रुणकताओं में बंदरों का आतंक चरम सीमा पे है। यहाँ हजारों की तादाद में हमारे रुणकताओ बंदर हैं और हर आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बच्चों को उठाया जा रहा गोद में से, कल भी ये योगेश कुमार का बच्चा गोद में से लेके और उसका यहाँ से सिर ले गया बंदर और वो बच्चा खत्म हो गया। इस आतंक से हम इतने परेशान हैं कि कलेक्टर साहब को हम कई बार अवगत करा चुके हैं, पर इस बार हम कलेक्ट्री जाएंगे, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और वहीं धरने पे बैठेंगे। ये डंडे और हथियारों की ये है कि हम लोग सुबह ही डंडे हथियार लेके गांव में निकल जाते हैं बंदरों को भगाने के लिए, क्योंकि डर इतना महिलाओं के अंदर बैठ चुका है कि वो अपने बच्चों को खेलने के लिए नहीं भेज रही है घर से, वो अपने काम के रोजगार के में नहीं जा रहे, वो सारे दिन पूरे दिन अपने घर पे डंडा लेके बच्चों की सुरक्षा के लिए बैठे रहते हैं। दहशत चरम सीमा पे है, बच्चों का घर से निकलना दुश्वार हो गया है। क्या अभी तक कोई सरकारी अधिकारी यहाँ आया? अभी तक कोई सरकारी अधिकारी नहीं आया। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि बंदरों को यहाँ से पकड़ा जाए और कहीं बाहर छोड़ा जाए। काशनगरी आगरा के रुणकता कस्बे में इस समय बंदरों का आतंक चरम पर है। यहाँ लोगों को काम करने की बजाय घरों की छतों पर खड़े होकर बंदरों से सुरक्षा करनी पड़ रही है। बीती रात यहाँ पर एक मासूम बच्चे की जान लेकर बंदर फरार हो गए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं आया है। आगरा से अवनाश जायसवाल, टीवी भारत।